अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग द चैनल डॉक्टर मोबीन वोकल्स। आज हम कंपोजिट शुरू करते हैं। मलगम हमने कर लिया था पीछे, और अब कंपोजिट शुरू करते हैं। कंपोजिट जो है बेसिकली, आपने वो सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि जी मैंने लेज़र फिलिंग करवाई है, लाइट की और फिलिंग करवाई है, तो वो बेसिकली कंपोजिट की फिलिंग होती है। अब इस कंपोजिट में क्या क्या होता है, जाहिर है आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो कंपोजिट मेनली जो होता है वो दो, उसमें ज़्यादा मेनली चीज़ें होती हैं, एक रीज़न होता है और एक फिलर होता है। ठीक है, रीज़न, अब ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ, ये मैं आपको समरी बता देता हूँ, ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि जो फिलर होता है, रीज़न और फिलर में से जो फिलर होता है वो उसके अंदर रिजिडिटी, हार्डनेस, स्ट्रेंथ वगैरह लेके आता है। ठीक है, और रीज़न जो है उसके अंदर वो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ लेके आता है, टूथ के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने में काम आता है। ठीक है, अब देखें, ये जो है ना फिलर, अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, रिजिडिटी, हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी कंपोजिट की। ठीक है, तो कंपोजिट की किट भी मिलती है, वो जब आप फाइनल ईयर के बाद एचओ, फाइनल ईयर में भी करते हैं, एचओशिप में भी करते हैं, तो उसमें कंपोजिट की किट मंगाई जाती है, उसमें ये कंपोजिट मटीरियल होता है। ठीक है, और इसके साथ एजेंट होता है, और इसके साथ जो है वो बॉन्डिंग एजेंट होता है। तो इसमें कंपोजिट में यही है कि फिलर, अभी आप फिलहाल यही याद रखें इंट्रोडक्शन में कि फिलर और इसके अंदर रीज़न होता है। ठीक है, फिलर जो है, रीज़न जो होता है इसके अंदर मेथ एक्रिलेट मोनोमर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें इनकी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, रीजंस क्या होते हैं। रीजंस बेसिकली जो बिसगेमा यूरीथेन डाईमेथ एक्रिलेट और ट्राई इथाइलीन ग्लाइकोल डाईमेथ एक्रिलेट टेगमा। ठीक है, ये आप बस नेम याद कर लीजिए, नेम थोड़े से मुश्किल हैं। ये इसमें रीजंस में जो है वो ये तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इसमें जो टेगमा है ना, ट्राई इथाइलीन ग्लाइकोल डाईमेथ एक्रिलेट, ये जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये विस्कोसिटी को कंट्रोल करने के लिए डाला जाता है इसके अंदर, कि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए। ठीक है, अब जो न्यू कंपोजिट आ रहे हैं ना आजकल, जो न्यू कंपोजिट हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, रिंग ओपनिंग मैकेनिज्म। अच्छा, ये आगे ना इन्होंने ये केमिस्ट्री थोड़ी सी इसकी दी हुई है, ये केमिस्ट्री जो है ना, अगर आपने करनी है कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने लिखा हुआ भी हुआ, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट मच वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए। देखिए, कंपोजिट है उसके अंदर रीजन है, फिलर है। ठीक है, रीजन जो होगा बिसगेमा टेगमा होगा उसके अंदर, और जो फिलर होगा उसके अंदर जो है हमारे रिजिडिटी, हार्डनेस वगैरह उसको इंक्रीज करने के लिए वो डाला जाता है। फिलर कौन से है वो भी आगे बताएंगे। ठीक है, अब ये जो है ये आप कर लीजिए, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए बिसगेमा का बॉन्ड बना होता है। ठीक है, और टू फिनाइल इसमें रिंग होती है। मोटी मोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ। ठीक है, थ्री पार्ट बिसगेमा के होते हैं, वन पार्ट टेगमा का होता है। ठीक है, और इसको फिलर के साथ ब्लेंड किया होता है। बाकी आप रीड कर ले जस्ट, वैसे कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, असल चीज़ ये है। अब एक्टिवेशन कैसे होती है, जाहिर है जब आपने वो कंपोजिट प्लेस कर दिया तो फिर उसको एक्टिवेट भी करना है। कंपोजिट जब आप दांत के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपका आगे वाला सेंट्रल इंसाइजर है ऊपर, उसके आपने सारा कैरियस लियन रिमूव करके उधर कंपोजिट आपने प्लेस किया है, तो कंपोजिट ऐसे ही नहीं हार्ड हो जाएगा जैसे बाकी फिलिंग्स होती हैं, जीआईसी होती है और दूसरी फिलिंग्स होती हैं ये, बल्कि इसको क्योर करना पड़ता है। क्योर का मतलब इस पर लाइट मारनी पड़ती है। वो लाइट कौन सी होती है, वो बेसिकली ये विजिबल कोई लाइट सोर्स होना चाहिए, अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्स होना चाहिए, या क्वार्ट्ज टंगस्टन हैलोजन, ये QTH लैंप होना चाहिए। ये बेसिकली हैलोजन लैंप, LED लैंप, इसके LED लाइट और हैलोजन लैंप ये यूज़ किया जाता है। इसको, इसके ऊपर जब लाइट मारते हैं तो ये खुद ब खुद हार्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो होगी लाइट एक्टिवेशन। अगर हम केमिकल एक्टिवेशन को देखें तो केमिकल एक्टिवेशन के अंदर मतलब केमिकली इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे वो उसके लिए अलग चीज़ होती है। तो टू पेस्ट सिस्टम होता है इसका, एक पेस्ट जो है उसके अंदर दोनों पेस्टों में रीजन और फिलर के इक्वल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर परोक्साइड इनिशिएटर डाला जाता है। जो इनिशिएटर होता है वो बेसिकली इनिशिएट करवाता है रिएक्शन। ठीक है, और उसके नतीजे में आगे फिर वो हार्ड होती है फिलिंग। ठीक है, तो अब ये देखें ना, ये सिस्टम है जैसे कि पाउडर लिक्विड सिस्टम है, इसी तरह पाउडर लिक्विड मटीरियल है, इनकैप्सुलेटेड मटीरियल है। ठीक है, अच्छा ये हो गया, अब लाइट एक्टिवेशन समझ आ गई। फिर उसके बाद लाइट एक्टिवेटेड मटेरियल कैसे आते हैं, वो सिंगल पेस्ट में आते हैं जो मैंने आपको बताया था, जिस हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो लाइट वाली करते हैं। ठीक है, तो वो सिंगल पेस्ट में आते हैं, वो पेस्ट निकाल के उधर कैविटी के अराउंड जो मार्जिन हमने बनाए हुए हैं उसको फिल करके और उसके ऊपर लाइट मारते हैं, वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, और हार्ड होने, अब उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली अल्ट्रावायलेट मटेरियल यूज़ किया जाते थे, क्वार्ट्ज टंगस्टन हैलोजन लैंप यूज़ किया जाता है, LED, लेकिन अल्ट्रावायलेट जो है अब यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि उसके डेंजरस इफेक्ट होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्सपोज होने की वजह से, जब ह्यूमन पे एक्सपोज होती है, इसलिए वो यूज़ नहीं किया जाता। विजिबल के लिए जो होता है
वो इनिशिएटर सिस्टम जो होता है उसके अंदर डाई कीटोन एंड अमाइन होता है, कैम्फोरो क्यूनीन होती है, ठीक है, और ये बेसिकली डाई कीटोन होता है, और रेडिएशन बेसिकली उस पर डालते हैं तो वो उसको क्योर कर देता है, केमिकल एक्टिवेट करवा देता है उसका रिएक्शन, ताकि वो आपस में बॉन्ड बना के हार्ड हो जाए, ठीक है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप क्लासिफिकेशन सारी बता दूंगा, ठीक है। मकैब से क्लासिफिकेशन करनी है, और इसके अलावा जो दूसरी जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फिलर कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, ये सारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।